दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज हम इस वीडियो के अंदर इनकम टैक्स के अंदर एक धारा है 89, जिसके तहत पिछले वर्षों का जो एरियर हमें यदि इस वर्ष मिला है और उसकी वजह से हमारा इनकम टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो हम क्या करेंगे। तो फॉर्म नंबर 10 होता है, फॉर्म नंबर 10E, उसके द्वारा हम पिछले वर्षों के अंदर इस एरिया को एडजस्ट करके हम इनकम टैक्स के अंदर छूट ले सकते हैं धारा 89 के तहत। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके संदर्भ में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, साथ ही साथ एक्सेल के अंदर उसको किस प्रकार से तैयार करना है ये भी मैं साथ ही साथ बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अपने साथियों को शेयर करें। हमारे काफ़ी साथी इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनको पिछले सालों का एरियर इस वर्ष मिल गया और पिछले सालों का एरियर और इस वित्तीय वर्ष में मिला वेतन ये सब मिलाकर थोड़ी राशि ज़्यादा बन जाती है, जिससे हमारा इनकम टैक्स अधिक बनता है। और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो वेतन वो एरियर हमें पहले मिलना था और किन्हीं कारणों से अब मिला है, तो हमें वो छूट 89 धारा के तहत मिलती है। हमारे काफ़ी साथी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन सभी साथियों के पास ये वीडियो जरूर पहुँचे, ताकि वो अपनी समस्या का समाधान खुद हल कर सकें। उन लोगों के दिल से निकली हुई दुआ आपको भी मिले और कुछ हिस्सा हमें भी मिले। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस सीट के अंदर इंस्ट्रक्शन के बाद ये जो 89(1) फॉर्म है इसको आप ओपन करिए। आपके सामने सिंपल से जो कुछ सफ़ेद कलर की यानी वाइट कलर की जो सेल है उसके अंदर आपको फिल करने, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपका नाम वो आपका डिजिग्नेशन के साथ एड्रेस और पेन नंबर फिल करना है। उसके अलावा जो आपको फिल करना है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने 2012-13 से लगाकर आज तक यानी लगभग 10 सालों को समेकित करके लिया है, ताकि आपका पिछले सालों का कोई एरिया इस वर्ष मिला है तो आप उन सालों के अंदर एडजस्ट करवा सकते हैं। हमने इसके अंदर पूरी कैलकुलेशन करने के लिए आपको मात्र दो सेलें दी हैं। एक तो उस वर्ष के अंदर जो आपकी शुद्ध आय थी यानी कर योग्य जो 10 के गुणांक में लिखी जाती हैं तो वो आपको लिखना है। नेट टैक्सेबल राशि होती है, ताकि आप उसके अंदर सब कटौतियाँ छूट वगैरह सब घटाने के बाद जो 10 के गुणांक के अंदर जो टैक्सेबल नेट राशि होती है वो आपको इस ब्लू वाले जो टैक्स होता है इसके अंदर लिखनी है। नीचे जो आपको पिंक टैक्स वाली जो सेल है इसके अंदर उस साल का जो एरियर आपको मिला है वो यहाँ लिखना है। आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि उस साल के अंदर आपको कितना एरियर मिला है। उसके बाद 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 ये सब मैंने वर्ष दे रखे हैं। उस सालों का आपको 10 के गुणांक में राशि जो आपकी टैक्सेबल थी और जो एरियर अब मिला है इस साल मिला है वो यहाँ लिखना है आपको। और मैंने कुछ कैलकुलेशन जैसे दो सालों की है 2019-20, 20-21 एग्जाम्पल के रूप में एक्स व्यक्ति का इनकम थी वो 4,50,000 थी और 27,000 उनको उस समय मिलना था, लेकिन वो एरियर के रूप में हमें इस वित्तीय वर्ष के अंदर मिला है तो हमने यहाँ 27,000 वो राशि यहाँ लिखी है। उसके बाद में 2020-21 इसके अंदर उनका जो इनकम नेट इनकम थी वो 5,50,000 थी। देखना एक आप गौर करना, 5,50,000 और जो 25,000 का एरियर है वो हमें इस वर्ष मिला था, इसलिए हमने यहाँ लिखा है जो पिंक कलर की सेल है। आपको एक तो नीले कलर के टैक्स में दिखाई दे रहा है, एक आपको पिंक कलर के टैक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है वो राशि 10 के गुणांक में उस वर्ष की टैक्सेबल राशि है, और जो आपको पिंक कलर के टैक्स के अंदर राशि दिखाई दे रही है वो एरियर राशि है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी है कि इन सेलों के अंदर आपको क्या फिल करना है। अब आपके सामने जो सबसे अंत में सेल है वो इस ईयर की जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 इसके अंदर आपकी आय में से जितनी भी कटौतियां हैं वो होने के बाद जो 10 के गुणांक में टैक्सेबल राशि होती है वो यहाँ आएगी, यहाँ लिखनी है आपको, फिल करनी है। बस इतना लिखने के बाद आपका काम हो चुका है।
अब ये काम ये सॉफ्टवेयर करेगा। जैसे ही आप फॉरन नंबर 10E के अंदर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपका जो गणना है वो बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुकी है। और यहाँ रेड कलर के अंदर जो आपको राशि दिखाई दे रही है वो धारा 89(1) के तहत आपको छूट मिलने वाली है, आप ये छूट ले सकते हैं। अब ये कैसे हुई थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कैलकुलेशन हुई कैसे। इसके अंदर जो सबसे ऊपर सेल है वो एनेक्सर फर्स्ट है, इसके अंदर आपके जो पिंक कलर के जो टैक्स के अंदर राशि दिखाई दे रही है वो पिछले सालों का एरियर है, और वो एरियर आपने 89 फोरम के अंदर या अलग अलग पिंक कलर के अंदर भरा होगा। जैसे हमने यहाँ 2725 दो भरे हैं और 2725,000 दोनों मिला के आपके 52,000 होते हैं, यही राशि यहाँ आ रही है। तो आप एकदम समझ गए होंगे कि जो सैलरी रिसिप्ट इन एरियर और इन एडवांस। अब जो नीचे के कॉलम है इसके अंदर या अगर आपको पेमेंट इन द नेचर ऑफ ग्रेजुटी इन रेस्पेक्ट ऑफ पास्ट सर्विस, यानी आपको पिछली जो सर्विस है उसमें कोई ग्रेजुटी वगैरह मिली है तो वो यहाँ आएगी, और अन्य प्रकार का या और कोई तरह की है तो वो आएगा, और यहाँ पर नहीं था तो हमने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। मोटे तौर पर समझने के लिए है कि हमारी जो आय पिछले वर्षों की थी वो हमें इस वर्ष मिली है, और वो मिलने के कारण हमारा जो ग्रॉस वेतन है वो अधिक हो गया है, जिससे हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा है, और उसमें हमारा कोई दोष नहीं था क्योंकि वो वेतन हमें पिछले वर्षों में मिलना था। तो वो जो संपूर्ण राशि है वो इस सेक्शन के अंदर आएगी, और अगला जो एनेक्सर वन है इसके अंदर वो छूट का कैलकुलेशन होगा वो निम्न प्रकार से होगा, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। जो इसका फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर टोटल नेट टैक्सेबल राशि आ रही है इस साल की, इसके अंदर वो एरियर है वो निचले वाले कॉलम के अंदर है जो हमें पिछले सालों का मिला है, ए सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस जो भी मिला है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। अब कुल राशि जो इस साल में हमारी नेट टैक्सेबल बन रही है दोनों मिला के यहाँ आ रही है, ये राशि वही है जो तीसरे कॉलम में आपको दिख रही है वो हमने यहाँ फिल की थी, या जो हमने फिल की है ना वही राशि यहाँ तीसरे नंबर कॉलम पे आपको दिखेगी दोनों जोड़कर। अब हमारा टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार रहेगा, हमारा टैक्स टोटल इनकम पे बन रहा है जो कॉलम नंबर 3 जो इस साल का है वो बना 50,626 टैक्स बन रहा है टोटल, और इस साल एरियर निकालने के बाद जो हमारी पीछे राशि बचती है वो राशि जो फर्स्ट कॉलम में आपको दिखाई दे रही है वो टैक्स होता है 39,810। अब जो अगला कॉलम है कॉलम नंबर 6 इसके अंदर जो 10,816 यानी 10,816 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमें इसका डिफरेंस है, यानी 50,626 तो हमें पूरा वेतन एरियर सब मिलने के कारण इस साल हमारा इनकम टैक्स बन रहा है, ले अगर वो एरियर हम बाहर निकाल दें तो हमारा इस साल जो हमारा टैक्स है वो 39,810 ही बनेगा, यानी 10,816 हम एक्स्ट्रा भर रहे हैं टैक्स, और ये हमें नहीं भरना था। अब जो नीचे दो कॉलम हैं वो हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये समझ में पहले नहीं आएगा आपको, अगर हम नीचे वाली कैलकुलेशन समझ ले यानी टेबल ए इसके अंदर कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आएगी तो ये आपको नीचे वाले दो ग्रीन और रेड कलर में दे रखे हैं वो बाद में समझ में आएंगे। जैसे 2012-13 का कैलकुलेशन है, 13-14, 14-15 ये पूरा 2021 तक हमने दे रखा है। अब इसमें हमने ऊपर तो राशि भरी नहीं थी इसलिए ब्लैंक का यानी शून्य आ रहा है, हमने 19, 20 और 20-21 का एरियर और टैक्सेबल राशि फिल की थी तो वो यहाँ आपके कैलकुलेशन आ रही है। इसमें पहले आपको 2019-20 की कैलकुलेशन समझा देता हूँ, इसमें आपका 4,50,000 तो टैक्सेबल राशि थी और 27,000 आपका एरियर था, यानी आपकी जो टोटल राशि है वो 4,77,000 हो गई। अब यहाँ दोनों मिलाने के बाद भी ये 5,00,000 से कम है इसलिए अपना टैक्स शून्य हो गया, यानी 5,00,000 से राशि कम होने पर हमें टैक्स नहीं फिल करना होता है, इसलिए यहाँ पर आपको शून्य 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 दिखाई देगा। अब चलते हैं 2020-21, इसके अंदर मैंने पहले ही 5,50,000 लिखा है ताकि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए। यहाँ पर 5,50,000 होने पर हमारा टैक्स बनेगा 23,400। अगर एरियर 25,000
हम उसको उस साल के अंदर ले जाए तो टोटल हमारा टैक्सेबल राशि हो जाएगी 5,75,000, तो हमारा टैक्स बनेगा 28,600। अब इन दोनों में से अगर अपन डिफरेंस निकाले तो 5,200 रुपये डिफरेंस आता है, ये टैक्स हमें उन साल चुकाना पड़ता। अगर ये एरियर राशि उस साल भी मिल जाती तो हमने 23,400 ही चुकाए, हमें 28,600 चुकाने थे, तो ये 5,200 रुपये और चुकाने पड़ेंगे। इसलिए ये जो टोटल यहाँ आएगी वो टोटल यहाँ लिखी जाएगी, और 10,816 एक्स्ट्रा बन रहे थे उसमें से 5,200 तो हमें वैसे ही चुकाने पड़ते, तो हमें अब छूट कितनी मिलनी है, 5,616। अब आपको एक और तरीके से समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हमारी इनकम 5,00,000 से कम होती तो क्या डिफरेंस आता, वो भी आप देखिए। अब यहाँ 5,00,000 करने पर वहाँ क्या डिफरेंस आता है, 5,00,000 करने पर तो मेरा कोई टैक्स नहीं बना, लेकिन इस साल 25,000 का एरियर था, वो मैं पिछले साल अगर जमा करा देता तो मेरा 5,25,000 होता, तो मेरा 18,200 जो इनकम टैक्स है पिछले था साल वो बन जाता, और मैंने तो उन साल कोई टैक्स दिया ही नहीं, और 18 ये राशि मैं एडजस्ट पिछले साल करवाता हूँ तो 18,200 मुझे टैक्स देना होगा, तो ये मेरे को कैसे छूट मिलेगी, छूट मिल ही नहीं सकती। आपका कुल लगभग किनारे पर थे 5,00,000 के आसपास, और कोई तरह का टैक्स आपने नहीं फिल किया है, और इस साल का एरियर एडजस्ट कराने जाओगे तो आप उल्टे घाटे में रहोगे। इसको मैं 5,00,000 के जगह मैं इसको करता हूँ 5,20,000। अब मैंने इसको 5,20,000 किए, और 5,20,000 करने के बाद अब मैं यहाँ लाता हूँ, 5,20,000 करूँगा तो पिछले साल 17,160 रुपये मैंने टैक्स भर दिए, और 25,000 और अंदर डालना चाहूँ तो, और ये जो मेरा 25,000 है वो वहाँ जाने के बाद वो मेरा जो टैक्स है वो 5,200 रुपये और कम कर देगा, तो ये 5,200 इसमें से कम करने के बाद मुझे ये 5,616 जमा कराने पड़ेंगे। अगर ये एरियर कम है, देखो 25,000 की जगह अगर एरियर कम करता हूँ मैं, या मैंने एरियर 12,000 कर दिए, अब क्या डिफरेंस आता है, 2,496 रुपये ये ही मेरे को मतलब पिछले साल चुकाने थे, तो ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो एरियर मैंने यहाँ कम किया था उस वजह से यहाँ 8,112 हो गए, और 2,496 के बाद ये 5,616, मतलब कुल मिला के आपको वही लाके छोड़ रहा है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, जैसे 2 की जगह मैं 3 साल ले लूँ, यहाँ मेरे 3,50,000 थे और मेरा एरियर है वो यहाँ पर 45,000 का है, वो एडजस्ट करना है, वो मैंने यहाँ कर दिया। अब ये कैलकुलेशन क्या आती है वो देखेंगे फॉर्म नंबर 10E में। अब यहाँ पर मेरा जो पूरा 84,000 का एरियर था वो एडजस्ट हुआ है यहाँ, और मेरा जो टैक्स है वो इतना बनना था, यानी मुझे 17,472 रुपये इस साल अधिक भरने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको एडजस्ट करा रहा हूँ तो 3,50,000 होने पर मेरा टैक्स 2,600 बनता है, क्योंकि उस समय ये 5,00,000 वाली छूट नहीं थी, तो उसमें 45,000 एडजस्ट करूँ तो ये 3,95,000 हो रहे हैं, और मेरा टैक्स 7,540 बन रहे हैं, यानी मुझे सिर्फ 4,940 रुपये ये एक्स्ट्रा, और इस साल 2,496 रुपये ये एक्स्ट्रा, 7,436 रुपये तो मुझे भरने ही हैं, तो मैं 17,432 में से 7,436 रुपये माइनस करूँगा, ये मुझे छूट मिलेगी। तो ये इस प्रकार से कैलकुलेशन होती हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अब आपके दोस्त हीरालाल जाट को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।